उसके बाद फ्लाइट लैंड हो गई और हम अपने अपने घर चले गए। अगले हफ्ते मुझे सुभाष जी का फोन आया कि भाई मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो मैंने कहा मैं आ जाऊँ? तो बोले नहीं मैं आऊँगा, मुझे काम है। तो मैंने कहा नहीं साहब मैं आऊँगा। तो जब मिले तो उन्होंने कहा कि वो जो आपने आइडिया दिया था अदालत का जी वो करना चाहिए। तो मैंने कहा मैंने कौन सा आइडिया दिया था प्रोग्राम का? तो मैंने कहा साहब मेरे तो घर में टीवी देखने को नहीं, आप क्या? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं साहब वो प्रोग्राम। तो मैंने कहा सुभाष जी गलती हो, तो मैं ऐसे मजाक में कह रहा था, मैं कुछ सोच के थोड़ी कह रहा था, तो मैं ऐसे ही। उन्होंने कहा नहीं साहब मैंने वो क्रिएटिव लोगों से डिस्कस किया, अच्छा हो सकता है। मैंने मना कर दिया। लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर एक दो लोगों को भेजा, डिस्कस करते रहे और इतना इंसिस्ट किया कि मैंने कहा अच्छा चलो ट्राई करके देखते हैं। तो फिर पहला आपकी अदालत मुझे याद है 12 फरवरी 1993 को पहला आपकी अदालत रिकॉर्ड हुआ लालू यादव के साथ। तो सर अब तक 800 से भी ज़्यादा एपिसोड हो चुके हैं उनके। ये सर टर्निंग पॉइंट था, ये जो हमारा प्रोग्राम था उसके बाद आपने काफ़ी तरक्की की है। तो सर आपकी खुद की एक चैनल की आप सोच कब मतलब कोई सोच नहीं थी कि जी अपना चैनल करेंगे, आपकी अदालत करते थे उससे पॉपुलैरिटी थी और एक पब्लिक का रिस्पांस मिलता था। तो फिर हमने एक प्रोडक्शन हाउस किया, हम एक डेली शो आज की बात वो स्टार पर करने लगे। लेकिन अपना चैनल होगा ये इतना बड़ी बात सोच भी नहीं सकते थे। एक दिन मैं ट्रेन में आ रहा था, मेरी दोनों बेटियां जो हैं वो मसूरी में पढ़ती थी, तो उनको स्कूल छोड़कर मैं वापस आ रहा था। तो ट्रेन में दो बुजुर्ग थे, बहुत बूढ़े थे, तो उन्होंने कहा कि भाई हम तुम्हारा प्रोग्राम देखते हैं लेकिन बड़ी रात में आता है, वो 11:30 बजे रात को आता था आज की बात। तो एक ने कहा कि ये हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है भाई, हम जेल में थे, और फिर कहा कि तुम्हारा प्रोग्राम देखने के लिए हम रात को 11 बजे का अलार्म लगा के सोते, फिर उठ के देख के और फिर वापस सो जाते। तो एक उनमें से एक ने मुझे कहा कि भाई तुम कुछ करो। तो मैंने कहा जी मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, और क्या करूँ? तो उसने कहा तो तुम कुछ नहीं और करोगे? मैंने कहा साहब और प्रोग्राम करेंगे, ये करेंगे। तो मैंने देखा एक आंसू ऐसे गिरा, तो मैंने पूछा मैंने साहब कोई गुस्ताखी कर दी हो, कोई आपको गलत बात कह दी, क्या हुआ? तो जो दूसरे ने कहा कि भाई ये आदमी मुझे रोज़ कहता है कि देखना एक दिन ये इंसान कुछ करेगा, और आज आप कह रहे हो कि आप तो कुछ नहीं करोगे। वो बात ने मुझे इतना विचलित कर दिया, मैं जब घर लौटा मैं रात भर सो नहीं सका कि वो आदमी जिसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जिसका मेरे से कोई संबंध नहीं है, जो मुझे जानता नहीं, वो उसकी कोई अपेक्षा है कि मैं कुछ करूँगा, और मैं बड़ा खुश हूँ एक प्रोग्राम करके, ये करके मेरे पास सब कुछ है ये मान करके। क्या करें क्या करें क्या कर सकते हैं, ये सोचते सोचते फिर लगा कि एक ऐसा चैनल करें जो वाकई में लोगों को लगे हाँ हमारा चैनल है, हमारी बात करता है। तो फिर ये इंडिया टीवी उसमें से उभर के आया।